गाय है, इधर शिवलिंग है और ये शायद सूरज है और ये चांद होना चाहिए। चित्रकूट जलप्रपात को विजिट किया, इसके बाद हम लोग जा रहे हैं नारायणपाल, हम उसी को एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल प्रस्तरा डेडिकेशन। आई होप गाइस एब्सोल्युटली फाइन। कोरोना काल के बाद बच्चे लोग का स्कूल लगना स्टार्ट हो गया है, स्कूल बच्चों का छुट्टी हो गई है, सब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आगे चलने का है, एक मिनट में पूछेगा। इधर उधर जाने चित्रकूट 5 1 पूरी 22 रायपुर का खूबसूरत, इतना सुंदर लग रहा है जैसा होगा। इधर से देखें ऊपर का व्यू पॉइंट कुछ इस तरीके से दिखता है। नारायणपाल का एकदम गांव है तो क्या हुआ, एकदम चीक मार, एकदम क्लीन और बोलना चाहिए रफ्तार, एकदम वायरल हो गया। मंदिर पहुंच गए हैं नारायणपाल, और यहां पे गाड़ियां खड़े करेंगे। और यहां पे कुछ और लगी हुई है, ये निर्देश है यहां पे। वाह, देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक विष्णु मंदिर नावट। देखा जाए तो मामा बाचा मंदिर भी जस्ट इसी तरीके से बना है, लेकिन सर उसमें तो आप लोगों ने 360 एंजॉय किया होगा। और हम जस्ट नारायणपाल के विष्णु मंदिर में खड़े हैं, बहुत अनोखा मंदिर है ये, तो मैं आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो उधर से नल आते हैं तो पानी इधर ही से निकलता है, यहाँ से निकलता जाता है पानी, है ना, देख सकते हो। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे जूते चप्पल उतार के आप लोग आइएगा। यहाँ पे फिलहाल अभी कोई नहीं है, हम अंदर जाते हैं और आप लोग को दर्शन कराते हैं। तो इधर से चौकीदार रहते हैं, तो ये देखो ऊपर में प्राचीन मंदिर की बनावट देखो दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों प्राचीन मंदिर की जो बनावट है ना, देखते ही बनते। देखो वहाँ पे अगर गौर करो, फिर वहाँ से देखो ऐसे लाइन से एकदम चक्र जैसा दिखता है। इधर लिखा हुआ है मंत्र है ना पूरा, जब घुसोगे ना तो यहाँ पे अंदर में एक है, वहाँ पे पूरा मंत्र लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हो। यहाँ पे गाय बैल दिख रहे हैं बस मुझे, बाकी शिवलिंग है। पहले वाले दोस्तों इसको खुदाई कर करके लिखे हैं, एक गाय है, इधर शिवलिंग है और ये शायद सूरज है और ये चांद होना चाहिए और इधर बच्चा इधर है ना, यहाँ पे भी है, उसका आधा पीस कट गया जहाँ तक। और अंदर में आपको दर्शन कराते हैं विष्णु भगवान जी का। दोस्तों आप लोग विष्णु भगवान जी का दर्शन कर ली, यहाँ गेट में ताला लगे हुए दोस्तों, नहीं तो अंदर से आप लोग को दर्शन करा देता। बहुत ही प्राचीन मंदिर, यहाँ पे बड़ी आसानी से आ सकते हो, हमेशा खुला रहता है ना। तो नारायणपाल का विष्णु मंदिर है, ये कोरोना समय से बंद है और ये प्राचीन मंदिर है, देख सकते हो ऊपर में इसकी जो बनावट है बहुत ही अनमोल तरीके सारे। यहाँ पे जो आपको मंत्र दिखाया, इधर पे एक पत्थर है ना, पत्थर है देख सकते हो जो लंबी दिख रही है, इसमें पूरा मंत्र लिखा हुआ है, पूरा शिवलिंग का हो गया और गाय बैल के भी डिजाइन है, वो बहुत पुराने समय डिजाइन हुआ है दोस्तों, मतलब खोद के बनाया गया है। 11वीं शताब्दी में निर्माण हुआ ये नारायणपाल का विष्णु मंदिर। शिवरात्रि समय भीड़ रहता है, अच्छा तो हम लोग विजिट करके जा रहे हैं। तो कैसा लगा आप विष्णु मंदिर, भाई लोग इधर ही घूम रहे हैं, पे कभी विजिट कर सकते हो। यहाँ पे अच्छा खासा रोड बनी हुई है यहाँ पे विष्णु मंदिर आने के लिए, बाजू में ही रोड है। चित्रकूट जा रहे होंगे तो वहाँ से पूछ लेना कि नारायणपाल मंदिर किधर है, इधर से आप लोग दर्शन करके चले जाना, विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपने टूर को अच्छा बना सकते हो। तो पास में ये ज़्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर कुछ मेन रोड से। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, एक दोस्त को शेयर करना। मिलते रहेंगे कुछ इंडियन प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, आप तक तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।